नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल टैलेंट पेपर। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी यानी जो आपका ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है और इसमें इस बार 12th के लिए भी पोस्ट ऐड की गई है। इस एग्जाम के लिए फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट आपका जो 31st मार्च है, इसके बाद से आपके लिए मेन टाइम हो जाता है तैयारी का। आरआरबी आपको कम से कम 3 से 3.5 महीने देगा सीबीटी बंक की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मैं खुद आरआरबी एनटीपीसी 2015 में सिलेक्टेड था, एज ए स्टेशन मास्टर मैंने काम भी किया है, तो मुझे पता है कि आरआरबी किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आरआरबी के दिमाग में चलते हैं, मतलब जो वहां पर जो सोच सकते हैं उस प्रकार की तैयारी हमें करनी है, तभी हम जाके अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जीएस का आपके आरआरबी में जो एनटीपीसी है उसमें बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, यानी जो आपका जीएस है यानी जनरल अवेयरनेस, और उसमें जो जीके भी है यानी आपका जनरल नॉलेज, जो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे, तो दोस्तों उनका एक बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पर आपके एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीबीटी 1 में भी और सीबीटी 2 में भी सबसे ज्यादा इसका वेटेज है, वो वेटेज आपका जनरल अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज का ही है। तो हमारा मोटो ये रहे है कि आपकी तैयारी सबसे अच्छी तरीके से कैसे हो सकती है। तो सबसे अच्छी तरीके से आपकी तैयारी कब होगी दोस्तों, जब हम उस पार्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे जो हमारा वीक है और जिसका वेटेज ज्यादा है एग्जाम में। तो होता क्या है दोस्तों, जीके बहुत सारे कैंडिडेट्स को टफ लगती है, उसको याद करने में उनको प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगता है कि याद किया आज याद किया कल भूल गए, कल याद किया परसों भूल गए, आज याद किया बहुत अच्छे से याद कर लिया लेकिन फिर भी जीके के साथ कैसा चीज है, आप रिविजन नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, तो बार बार ऐसा होता रहता है, तो इससे हमें क्या, हम अपसेट हो जाते हैं और फिर हमें जीके को पढ़ना छोड़ देते हैं, हम फिर जो सब्जेक्ट हमें अच्छे लगते हैं जैसे मैथ्स है रीजनिंग है उन्हीं में दिमाग अपना लगाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आपका वेटेज सबसे ज्यादा किसका है, जीके जनरल अवेयरनेस का है, तो आपको सबसे ज्यादा वही पढ़ना है। तो दोस्तों मैं आपके लिए इजी ट्रिक्स के माध्यम से आपका जनरल अवेयरनेस का तैयारी कितना अच्छे से हो सकता है वो इजी ट्रिक्स के माध्यम से आपको कराऊंगा और डेली आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों ये है क्लास 1, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों प्राचीन इतिहास से, सब्जेक्ट वाइज मैं आपके लिए ट्रिक्स लेकर आऊंगा। वैसे देखिए दोस्तों ट्रिक्स हमेशा आपके लिए अच्छी साबित नहीं होती, ट्रिक्स केवल वहां अच्छा होती है जहां पर हम उन चीजों को भूल जाते हैं, जैसे केवल जहां पर हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर एनालाइज होता है, जहां एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, वहां पर ट्रिक्स का कोई रोल नहीं है। लेकिन जहां पर हमें सर याद करना है, किसी का नाम याद करना है, उससे संबंधित आंदोलन याद करना है, तो उसके लिए हम ट्रिक्स अगर ध्यान रख लें, अपने ट्रिक में दिमाग में बैठा लें, तो वो चीज हम कभी नहीं भूलते। तो दोस्तों जब मैंने भी तैयारी स्टार्ट की थी आज से 3 साल पहले 4 साल पहले, तो कुछ चीजें मैंने पढ़ा बहुत कुछ, लेकिन बहुत सारी चीजें हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें मेरे दिमाग में ट्रिक्स के थ्रू ऐसे बैठ गई कि उनको मैं भुलाए नहीं भूल सकता हूं। तो मैं भी चाहता हूं आप भी अपनी ऐसी तैयारी करें कि आपके दिमाग में कुछ चीजें ऐसी बैठ जाए कि वो कितना भी कोशिश कर ले आप उनको ना भूल सके। तो स्टार्ट हम दोस्तों करते हैं, ये पहला वीडियो है इसलिए मैं इसका प्रिफरेंस थोड़ा ज्यादा दे रहा हूं आपको थोड़ा समझाने के लिए, कि ट्रिक्स को ये मत समझिए कि ट्रिक से ही आपका नहीं पार होने वाला है, ट्रिक केवल इसलिए है कि जो क्वेश्चन आपको वैसे याद करने में भूल जाते हैं वो ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेंगे। तो दोस्तों हम आज के दिन चलते हैं किस पर, हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों जो हमारी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता से जब बात आती है तो ट्रिक के बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में है क्या। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी जो पूरा क्षेत्र है वो सिंध से लेकर जो हमारा उत्तरी भारत है, दक्षिण भारत में भी कुछ स्थलों में हड़प्पा सभ्यता का हमें देखने को मिलता है कि वहां पर हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कई नगर थे, कई बड़े बड़े नगर इसमें थे, और इसकी पहला क्वेश्चन तो यही है कि भारत की सबसे पहली सभ्यता है, ठीक, और इसकी खोज किसने की दोस्तों, तो हड़प्पा की जो खोज की थी वो किसने की थी, वो की थी राय बहादुर दयाराम साहनी, किसने की थी दोस्तों, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी क्या की थी दोस्तों, खोज की थी किसकी, हड़प्पा सभ्यता के स्थल हड़प्पा की जो है उसकी खोज किसने की, राय बहादुर दयाराम साहनी। और दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए, अब ये तो खोज की थी लेकिन खोज किसके नेतृत्व में की गई थी, अंडर किसके लीडरशिप में दयाराम साहनी काम कर रहे थे, तो वो दोस्तों उनका नाम क्या है, उनका नाम है जॉन मार्शल, क्या है, जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की क्या की गई, खोज की गई। तो दोस्तों खुदाई के दौरान हमें इनके क्षेत्र प्राप्त हुए और हड़प्पा सभ्यता के
कई ऐसे नगर हैं जिनका संबंध किसी ना किसी नदी से है, यानी वो किसी नदी के तट पर क्या हुए, विकसित हुए। अच्छा दोस्तों ये भी चीज है, जो ये प्राचीन सभ्यताएं थी किसी ना किसी नदी के तट पर उनके विकसित होने का कारण क्या था, क्योंकि नदी के तट पर, नदियों के तट पर भरपूर मात्रा में सिंचाई के लिए, कृषि के लिए साधन हमें उपलब्ध हो जाते थे, यानी कि कृषि के लिए जो हमें मिट्टी चाहिए और उर्वरकता चाहिए वो हमें नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में आसानी से मिल जाती थी। तो उस समय नदी के किनारे सभ्यताएं ज्यादा क्या हुई, विकसित हुई। तो दोस्तों ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे, वैसे अगर आपको ट्रिक की बनाई हुई याद है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं है उनके लिए ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लेके चलते हैं रमा। रमा अपने दिमाग में लगाइए, रमा, तो रमा में रा से हो गया रंगपुर, क्या हो गया दोस्तों रंगपुर, और मा से हो गया मादिर। तो ऐसे आपको याद रखना है रंगपुर किस नदी के किनारे है, मादिर कैसे, रमा। अगर कोई भी आपसे पूछेगा रंगपुर किस नदी के किनारे है तो हमारे दिमाग में सीधा स्टॉप होना चाहिए क्या, रमा। रमा यानी रंगपुर मादिर नदी के किनारे है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों लोभी। लोभी, लोभी मतलब होता है लालची, तो लोभी, तो लोभी वर्ड हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ सकता है क्योंकि हमारे ये दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला वर्ड है, लोभी लालची। तो लोभी, लोभी मतलब लोथल, ला से क्या हो गया दोस्तों, ला से हो गया लोथल, क्या हो गया लोथल, और भी मतलब भा से हो गया भोगवा, यानी लोथल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, लोथल है भोगवा नदी के किनारे स्थित। तो दोस्तों दो मैंने आपको याद कराए, रमा और लोभी, रमा मतलब रंगपुर मादिर नदी के किनारे और लोभी लोथल भोगवा नदी के किनारे। फिर है दोस्तों मौसी, कितना ईजी है मौसी, हमें कुछ एक्स्ट्रा याद तो करना नहीं इसमें, मौसी, मौसी मोहनजोदड़ो, अब मोहनजोदड़ो सी से सिंधु, तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो किस नदी के किनारे दोस्तों, वो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे है दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे। फिर है हरा, हरा कलर है सबको पता है हरा, दिमाग ने इसको हरा को कैच कर लिया, हा से हड़प्पा, रा से रावी, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है दोस्तों, हड़प्पा है रावी नदी किनारे, किस नदी किनारे दोस्तों, रावी नदी किनारे हड़प्पा जो नगर है, जो शहर था वो स्थित था। फिर दोस्तों कंघा, कंघा हम डेली करते हैं, ये भी हमारे दिमाग को अच्छे से पता है क्योंकि ये नाम क्या है दोस्तों, आप आज याद कर लेंगे, दो दिन याद रहेगा, तीसरे दिन रिवाइज कर लेंगे, फिर दो दिन याद रहेगा, फिर ऐसा टाइम आएगा हम कुछ ऐसी चीजों को पढ़ने में बिजी हो जाएंगे जो हमारे वीक है, जो टफ है, और फिर हम इन सबको क्या हो जाएंगे, भूलते चले जाएंगे। तो हमारे दिमाग को कैसे हमें बनाना है, कैसे, जीएस का तरीका क्या है दोस्तों, जीएस आपके दिमाग में कब बैठेगी, जीएस किसी का पेटेंट नहीं, आप सोचेंगे हमने याद कर लिया और वो हमारे दिमाग में बसा रह जाए, ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा हो रहा होता तो हर घर में आईएएस निकल रहे होते, ऐसा नहीं होता। तो जीएस का तरीका यही है कि आप उसको किसी ऐसी चीज से रिलेट करें, ऐसी चीज से जुड़े, कनेक्ट करें, कोरिलेट करें जो आपके दिमाग को इजिली पकड़ में आ जाती हो, यानी दिमाग उसको इजिली कैच कर लेता हो। तो जैसे कि बताया हरा, हड़प्पा, रानी, रमा, रंगपुर, मादिर, मौसी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोभी, लोथल, भोगवा, ये इंपॉर्टेंट है, और भी कई नगर है लेकिन इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, इसलिए मैंने आपके लिए लेकर आया हूं। कंघा यानी कालीबंगन गंगा, कालीबंगन कहां पर है दोस्तों, ये राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में है, और किस नदी के किनारे, ये घग्गर नदी के किनारे। ये सारी चीजें मैं भी आपको आगे आगे समझाता जाऊंगा, अभी इस वीडियो में हम केवल बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल और उनकी नदियां। अगर आप दोस्तों डिस्क्रिप्टिव में भी स्टडी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों तैयारी बहुत अच्छे से करने वाले हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। फिर है रोज, रोज यानी रोज से हो गया रोपण, और सा से सतलज, रोज रोपण, सा से सतलज। फिर दोस्तों बस, बस से हम देखेंगे बनमाली और सासे सरस्वती। अब दोस्तों यहां पर ही कंफ्यूज हो सकते हैं हम कि रोज में भी सहारा, इसमें भी सहारा, तो रोज में सतलज है, इसमें सरस्वती है, तो इसके लिए हम लोग दोस्तों मैंने एक और ट्रिक इसलिए बना दी, क्या, बनवाली वन का रस, वन का रस, तो बनवाली का रस, रस यानी सरस, सरस्वती, वन का रस मतलब बनवाली किस नदी के किनारे था, वो था सरस्वती नदी के किनारे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनको याद कीजिए, अपने दिमाग में बैठाइए, दो चार बार पढ़ेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और एक बार बैठ जाएंगे तो मैं वादा करता हूँ आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेंगे, और जब कभी नहीं निकलेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप इजीली इसको कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार की ट्रिक्स के लिए चैनल से जुड़ी रहिए, सब्सक्राइब कीजिए टैलेंटपुर, और जो हमारे साथी अरबी साइकोलॉजी की तैयारी करें
उनके लिए मैं साइकोलॉजी टेस्ट की वीडियो अपलोड कर रखी है, उनको देखिए और साइकोलॉजी टेस्ट की तैयारी कीजिए। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।